ओम शांति आज 19 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे आज की बाबा की मुरली है कि बाबा इस संसार में क्यों आए हैं? क्योंकि चारों तरफ हाहाकार है तो हाहाकार को मिटाकर जय जयकार करने आए हैं। जय जयकार होगी नई दुनिया में बाबा कहे यहां तो देखो देश और विदेश में कितना हंगामा है कितना हाहाकार है नर्क ही नर्क है चारों ओर किचड़ा ही किचड़ा जंगल ही जंगल है ऐसी दुनिया को बाबा फूलों का बगीचा बनाने आए हैं लेकिन बाबा कहे उसके लिए तुम बच्चों को यही पुरुषार्थ करना है कि सब कुछ पुराना भूल जाना है और एक बाप की याद में रहना है गरीब बच्चे तो सहज इस बात को धारण कर लेते हैं लेकिन शाहुकार धन दौलत मित्र संबंधी आदि को तो भूल नहीं पाते हैं इसलिए बाबा कहे वो सच्चे योगी नहीं बन सकते जो सब कुछ भूलते हैं वो सच्चे योगी बन जाते हैं तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य ओम शांति मीठे बच्चे बाप आया है सारी दुनिया का हाहाकार मिटाने जय जयकार करने पुरानी दुनिया में है हाहाकार नई दुनिया में है जय जयकार आज की मुरली से प्रश्न है कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं शाहूकार नहीं ले पाते उत्तर ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो जो कुछ भी है उसे भूल जाओ अर्थात मेरे मेरे से बुद्धि योग निकाल लो तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं परंतु शाहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता ओम शांति मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे जो अच्छी रीति जानते हैं उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने बाबा किस लिए आए हैं सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने जो सयाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं इस है। तन में बाप आए हैं ब्रह्मा तन में बाप आए हुए हैं जिनका नाम भी है शिव बाबा क्यों आए हैं हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि है सबको हिसाब किताब चुप कर जाना है अमर लोक में झगड़े की बात नहीं यहां कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है कितने कोर्ट जज आदि है मारा मारी लगी हुई है विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है सारी दुनिया में खिटपेट बहुत है इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया किचड़ा ही किचड़ा है जंगल ही जंगल है बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने लिए आए हैं। बेहद का बाप सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए सयाने समझू जिनमें कोई खिटखिट ना हो यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है अनेक धर्म है तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है सारी दुनिया पतित है पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं पुरानी दुनिया में कितने झगड़े ही झगड़े हैं, तो बाबा कहे उन्हें मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे बेहद के बाप को फिक्कर भितर में लगा दिया है ये भी खेल है बाबा कहे ये भी खेल है तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब खड़े हो जाओ अर्थात तैयार हो जाओ बाप के मददगार बनो बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है कम नहीं अथा सुख है बाप कहते मीठे बच्चे ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने आए हैं भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे भारत स्वर्ग था स्वर्ग को ही कहा जाता है क्या कहेंगे स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ़ वर्ल्ड प्रेता को भी नहीं कहेंगे ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए पहले पहले आना है बच्चे चाहते भी है हम स्वर्ग में आए लक्ष्मी व नारायण बने अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होने हैं रक्त की नदियां बहने हैं रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियां उनको कहते हैं क्षीर सागर यहां भी बड़े तालाब बनाते हैं फिर कोई दिन मुकरूर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं क्षीर सागर बनाने के लिए उसमें फिर स्नान करते हैं शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं सतयुग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां हैं ऐसी कोई बात नहीं है सचमुच में कोई घी दूध की नदियां नहीं है हर पांच हजार वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो इस समय तुम गुलाम हो फिर तुम बादशाह बनते हो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ेगी बाबा कहे वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती नदियां उछल नहीं खाती कोई उपद्रव नहीं होता यहाँ देखो कितने उपद्रव है वहां पक्के वैष्णव रहते हैं विकारी वैष्णव नहीं यहां कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं बाबा कहे इस दुनिया में कोई अगर वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं परंतु नहीं विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं यह भी गायन है क्या गायन है गावड़े का छोरा श्री कृष्ण तो गांवड़े का हो नहीं सकता है वह तो वैकुंठ का मालिक है फिर चौरासी जन्म लेते हैं यह भी तुम अभी जानते हो कि हमने बत्ती में कितने धक्के खाए पैसे बर्बाद किए बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए राज्य भाग्य दिया सब कहा गया तुमको विश्व का मालिक बनाया फिर तुमने क्या किया बाप तो ड्रामा को जानते हैं नई दुनिया सो पुरानी दुनिया पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है यह चक्र है जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है शाहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं बाप है गरीब निवास गरीब वहां शाहूकार बनते हैं शाहूकार वहां गरीब बनते हैं अभी तो पदम पति बहुत है अभी तो बाबा कहे पदम पति बहुत है वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे क्योंकि वह भूल नहीं सकते हैं वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं वह बुद्धि से निकल नहीं सकता और बाबा तो कहते सब कुछ भूल जाओ यहां तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ खाली बेगर बन जाओ आज कल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकला है नए नए सारे माप तोल आदि निकला था तो इसलिए बाबा कहे आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकला है जो राज गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाता है विलायत की नकल करते हैं अपना अकल तो है नहीं तो प्रधान है अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिराते हैं आग लगनी है बच्चे जानते हैं क्या जानते हैं बाप आते ही है विनाश और स्थापना कराने तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबर वार है सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है जैसे बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना चाहिए पुरानी दुनिया में ये पाए पैसे क्या करेंगे आजकल कागज के नोट निकले हैं वहां तो सिक्के मोहर आदि होंगे वहां तो सोने के सिक्के मोहरे आदि होंगे सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है जैसे कि सब कुछ मुफ्त है जैसे कि सब कुछ मुफ्त है सतो प्रधान धरनी है ना अभी तो पुरानी हो गई है वह है सतो प्रधान नई दुनिया बिल्कुल नई जमीन है तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शुभी रस आदि पीते हो परंतु वहां झाड़ आदि है नहीं न मूल वतन में है जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है बुद्धि से काम लो सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं झाड़ तो धरनी पर होते हैं न कि आकाश में बल नाम है ब्रह्म महतत्व परंतु है पोलार जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो स्टार्स देखने में बड़े आते हैं ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होगी ये बुद्धि से काम लेना है विचार सागर मंथन करना है तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती है छोटी बिंदी है यह सब बातें तुमको धारण करनी है तब किसको धारण करा सकेंगे टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं नहीं तो टीचर ही कहेगा का का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है वहां स्वयंवर कैसे होता है क्या भाषा है सब कुछ देखा है पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत आदि आते रहेंगे वो तो क्या देखेंगे सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे बाबा कहे जो सच्चे योगी होंगे वही अंत तक रहेंगे जिन्हों को बाप देख खुश होंगे फूलों का ही बगीचा बनता है बहुत तो दस पंद्रह वर्ष रहकर भी चले जाते हैं उनको कहेंगे अख के फूल बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी ड्रिल कराती थी वे आज है नहीं ये बच्चियां भी जानती है और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है यह है माया से गुप्त लड़ाई गुप्त तूफान बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है जिस योग बल से तुम यह बनते हो बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके कायदा नहीं है खेल भी वंडरफुल है कहानी है दो बिल्ले लड़े मक्खन बीच में तीसरा ले गया कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही बच्चियां साक्षात्कार करती है कहती है श्री कृष्ण के मुख में मक्खन है वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हो राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं ये भी है कितनी लड़ाइयां हुई और कितनी लड़ाइयों से खत्म भी हुए इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुपचू होना है इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है बाप की श्रीमत है बच्चे सीनो एविल, सी नो एविल नो एवल no उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है आजकल तो मनुष्य का भी बनाते हैं आगे चीन की की तरफ से हाथी दांत चीजें आती थी। बाबा कहे आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी चुड़िया भी कांच की पहनते थे यहां तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं यहां तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है तुम तो बच्चे अब स्वच्छ बनते हो वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं यहां तो शरीर ही तम प्रधान तत्वों से बनता है इसलिए बीमारियां आदि होती है वहां ये बातें होती नहीं अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं इसलिए गायन है अत सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं तुम्हारे में भी खुश रहे बाबा कहे तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरण करते रहे ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जो गायन है द्रौपदी का वह तो सब प्रैक्टिकल में हो रहा है द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदिया हो ऐसे नहीं फीमेल सदे फीमेल ही बनती है दो बारी फीमेल बन सकती है जास्ती नहीं दो बारी फीमेल बन सकती है जास्ती नहीं माताएं पुकारती है बाबा रक्षा करो हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं इसको कहा जाता है वैशालय, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय वैशालय है रावण की स्थापना शिवालय है शिव बाबा की स्थापना और तुमको नॉलेज भी देते हैं बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है बाबा को नॉलेजफुल भी कहा जाता है ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाले हाँ ये नहीं कि बाबा हरेक के दिल में क्या चल रहा है हरेक के मन में क्या संकल्प चल रहे हैं वो जानेंगे नहीं नॉलेजफुल माना ही ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज ड्रामा की नॉलेज उनके पास है इनसे फायदा क्या अच्छा सबके दिलों को जान भी लिया तो बाबा कहे इससे फायदा क्या बाप कहते ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे ना सके मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूं ज्ञान सागर एक ही बाप है इसलिए बाबा की महिमा है और ज्ञान का सागर सुख का सागर आनंद का सागर वही बैठ हमको भी पढ़ाते हैं उसके बिगर तो कोई दे न सके वहां है भक्ति की प्रालभ द्वापर कलयुग में है भक्ति की प्रालभ सत्यु त्रेता में भक्ति होती नहीं पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं वह सभी कितने मिनिस्टर्स है एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं सत्युग में वजीर रखने की जरूरत नहीं अब बाप तुमको अकलमंद बनाते हैं ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अकलमंद थे बेहद की बादशाही बाप से मिलती है शिव जयंती बाप की मनाते हैं जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं तभी तो मनाते हैं उनकी जयंती लाखों वर्ष की बात नहीं है कल की तो बात है अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं बाबा कहे अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं बाप कहते हैं मन मनाभाव सारी बात को एक ही महामंत्र में समेट लिया मन मना वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है एक, दम एक सेकंड में में मन को स्थिर करो भी अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट बाप का पूरा मददगार बनने के लिए क्या करना चाहिए सयाना समझदार बनना है अंदर कोई खिटपिट ना हो दूसरी पॉइंट स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है पुरानी दुनिया के पाए पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं डरते हैं कि कहीं फंस न जाए इससे तो दूर रहना ठीक है लेकिन नहीं इक्कीस जन्म परिवार में रहना है अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म संन्यासी के संस्कार हुए कर्म योगी बनना है कर्म संन्यासी नहीं संगठन में रहो सबके स्नेही बनो लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप को दूसरा न कोई बुद्धि को कोई आत्मा के साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा आज का स्लोगन है बाप दादा के राइट हैंड बनो लेफ्ट हैंड नहीं बाप दादा के राइट हैंड बनो लेफ्ट हैंड नहीं क्योंकि दोनों हाथ की है अपनी अपने अपने है। राइट हैंड बनना माना राइट हैंड से हमेशा हर शुभ कार्य करते हैं इसीलिए उसको विशेष माना जाता पूजा करना है प्रसाद लेना है आशीर्वाद देना है सब राइट हैंड से किया जाता लेफ्ट हैंड को कहा जाता अशुभ इसीलिए जब छोटेपन में बच्चे जब लेफ्ट हैंड से लिखना चालू करते हैं तो माता पिता उनको राइट हैंड से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं तो हमें भी बाबा के राइट हैंड माना शुभ कर्म करने वाले श्रेष्ठ बच्चे बनने हैं लेफ्ट हैंड वाले नहीं अच्छा ओम शान